देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, इधर से आना पड़ेगा ना आप लोग। अरे ये क्या कर ऑफिस वाले चल रहे हैं। सर उद्घाटन कर दिया गया है, तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर ये देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो देहरादून की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तो एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं, लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और अधिकारी गण भी मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए मैप है, ये मैप आप देख सकते हैं कि क्या इसका इंटीरियर डिजाइन है या किस तरीके से ये यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, शायद वो मैप समझाया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। और सीधी तस्वीर आप एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है उसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और इसके अलावा, और ये देखिए मैप समझाया जा रहा है कि ये कैसे क्या कुछ है, व्यवस्थाएं दी गई हैं, अधिकारी एक एक करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बता रहे हैं यहाँ पर अमुक व्यवस्था है। ये देखिए तस्वीर आप देखिए, क्या है इसका मैप और कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है, क्या कुछ आगे इसमें और कुछ इम्प्लीमेंट किया जाना है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से समझते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 78 टाइप 2 के बने हैं सर, और 24 टाइप 3 के बने हैं सर, और 2 टाइप 4 के और 1 टाइप 5 कमांडर के ये बन चुके हैं। ये बन चुके हैं सर, जो रेड कैंपस है सर, टोटल व्हाइट बेस में जो रेड कैंपस है सर, ये पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है सर। सेकेंड फेज सर, वर्ल्ड बैंक सेकेंड का हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है सर, उसको टेकअप कर रहे हैं। इसकी धनराशि पब्लिक का ऑफिस सर, इसका अकाउंट हमारे बाबू लोग कमांडेंट कमांडेंट टोटल
आइए सर। सर थोड़ा समय समय का ऊपर ऊपर आराम से गिर गया आराम से का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फीता काट कर शुभारंभ किया और इसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं एसडीआरएफ मुख्यालय की। और बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौधरोपण करेंगे, ये देखिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार देहरादून से जुड़ गए। अभिषेक, एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इस समय पौधरोपण कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज डोईवाला में जो एसडीआरएफ का भवन बना है उसका जो है आज लोकार्पण कार्यक्रम रखा हुआ है और वो वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा एक फायर स्टेशन भी है जिसका वो लोकार्पण करने वाले हैं। एसडीआरएफ क्योंकि पूरे प्रदेश में जो राहत बचाव का जो कार्य होता है किसी भी आपदा आने के समय उन पर जो है वहाँ नजर बनाए रखता है और राहत बचाव कार्य को तुरंत जो है एक्शन में लाता है। तो ये काम जो एसडीआरएफ का रहता है और अब पूरी मॉनिटरिंग जो है वो देहरादून से होगी, यानी देहरादून से डोईवाला से होगी। तो वहां पर भवन बनकर तैयार है। प्रदेश में वैसे भी चार धाम यात्रा चल रही है और चार धाम यात्रा में जो एसडीआरएफ की चौकियां हैं उनको भी बढ़ाया गया है। पिछली बार की संख्या में अगर तुलना करें तो 5 चौकियां बढ़ाई गई है। तो उनकी सभी चौकियों की जो मॉनिटरिंग है वो अब डोईवाला से होगी। ये सबसे राहत की बात ये इसलिए भी है क्योंकि डोईवाला जो है एक मुख्य क्षेत्र माना जाता है और वहां से जो है चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है यानी ऋषिकेश से जो शुरुआत है वो भी डिस्टेंस काफी कम हो जाता है। जगह कई दिनों से ये आवंटित थी और भवन का कार्य काम जो है वो जारी था, अब वो पूरा हो गया है और उसको जो है अब एसडीआरएफ को सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि तस्वीर मैं देख पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री इस समय एसडीआरएफ मुख्यालय में पहुंचे हैं, लोकार्पण के बाद इस समय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? कई वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि नवनिर्मित भवन है और वहां पर जो तैनाती रहेगी, जिन कर्मचारियों की तैनाती रहेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसे भी जब कहीं पर पहुंचते हैं या किसी भाग में पहुंचते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर भी उन्होंने कर्मचारियों से बात की और वो कर्मचारियों से फीडबैक भी लेते हैं, ऐसा जो है हमेशा मुख्यमंत्री करते हैं। और ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री वहां पर लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हैं लेकिन इसके बीच बीच में वो कर्मचारियों से अधिकारियों से भी संवाद कर रहे हैं। तो बहुत ये कर्मचारियों के लिए भी अच्छा है, उनके मनोबल को भी बढ़ाता है कि किस तरह से उन्होंने काम करना है। तो बहुत अच्छा एक माहौल देकर के जाते हैं मुख्यमंत्री और उसी की ये जो है शुरुआत है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। आज उनको ये दिया जा रहा है, वहां से जो है पूरी मॉनिटरिंग पूरे प्रदेश में रखी जा सकती है। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि कुछ एग्जीबिशंस भी लगाए गए हैं, कर्मचारी मुख्यमंत्री को कुछ समझा भी रहे हैं। देखिए क्योंकि ये भवन बना है और एसडीआरएफ का है, एसडीआरएफ किस तरह से काम करती है, किन किन उपकरणों से लैस होती है, क्या कौन सा उपकरण किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये स्टॉल इसीलिए लगाए गए हैं कि ये प्रदर्शनी के रूप में काम स्टॉल लगाए गए हैं और उन्हीं के तहत जो है मुख्यमंत्री को जानकारी दी जा रही है कि ये उपकरण हम इस आपदा में उस जगह पर यूज करते हैं।
तो पूरी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं और पूरी जानकारी कर्मचारी भी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात किया जाए इस तरह के उपकरणों के बारे में जानकारी, क्या एग्जीबिशन लगा के आम जनता को भी कभी दी जाती है कि अगर मान लीजिए आपातकालीन स्थिति है, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम को जनता की भी अगर जरूरत पड़ी तो सहायता लिया जा सकता, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम कैंपेन किए जाते हैं क्या एसडीआरएफ की तरफ से? देखिए, किसी भी राहत बचाव कार्य को जो मौके पर जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन उससे पहले भी जो साल भर एसडीआरएफ से जो है छोटे छोटे प्रोग्रामिंग चलती रहती है, छोटी छोटी मॉकड्रिल चलती रहती है। जैसे अभी हमने दो दिन तीन दिन पहले देखा कि एक राहत बचाव कार्य में जो एनडीएमए थी, एनडीएमए ने पूरे प्रदेश में जो है ये एक मॉकड्रिल का कार्यक्रम रखा था, उसमें एसडीआरएफ ने भी हिस्सा लिया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मॉकड्रिल चलती रहती है जिसमें अपने उपकरणों को हर साल चेक किया जाता है कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपनी यूनिट को चेक किया जाता है। इससे होता ये है कि ट्रेनिंग के साथ साथ जो साल भर की ट्रेनिंग होती है उसके साथ साथ लगातार जो है ट्रेनिंग होती रहती है, जितने भी जवान इसमें लगे होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, इसके साथ ही उपकरण चेक होते रहते हैं। तो समय आने पर कभी भी आपदा का समय आता है उनको सही से उपयोग में किस तरह से लाना है वो भी, ये भी जो कैंपेनिंग है वो भी चलती रहती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है और समय समय पर ये साल भर जो है इस तरह की कैंपेनिंग चलती है। अभिषेक, अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो कितने देर तक का ये कार्यक्रम है, कितने देर तक मुख्यमंत्री वहाँ रहेंगे? देखिए, अभी ये क्योंकि जो कार्यक्रम है अभी शुरू हुआ है और अभी लगभग एक घंटे के आसपास जो है वो ये खत्म हो जाएगा, करीब 12:15 तक जो है मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे। और मुख्यमंत्री को क्योंकि आज देहरादून से बाहर भी जाना है, वहां भी कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम भी वो बाहर ही करेंगे, तो अभी एक घंटे के कार्यक्रम के बाद वो यहां से जो है यहां से वो प्रस्थान करने वाले हैं। अभिषेक, सुरक्षा की व्यवस्था की बात किया जाए तो किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, Z+ सिक्योरिटी मुख्यमंत्री की होती है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। और जो इस जो भवन है इसके आसपास की जो व्यवस्था है वो पूरी चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री अपने आप में Z+ की सुरक्षा लेकर दी हुई होती है, तो उसमें जो है जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसा कि अभिषेक तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री वहां से निकल रहे हैं, गाड़ी उनका काफिला जो है आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस विषय में? क्या अभी इसी कैंपस में ही कहीं दूसरी जगह जाएंगे या यहां से भी निकलेंगे? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अपना सवाल थोड़ा रिपीट। मेरा सवाल यह है कि देखिए, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री वहां से निकल रहे, गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, क्या मुख्यमंत्री अभी इस कैंपस में कहीं और रहेंगे या यहां से हम निकलेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला यहां से अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी उनको आगे रुकना भी है और यहां से वो सीधे उसके बाद, क्योंकि 12:15 उनको निकलना है बाहर, तो इसलिए जो है उनको। चलिए ठीक है, चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा। और इसी के साथ इस